दोस्तों फाइटर मूवी रिलीज हो चुकी है और आज डेट ऊपर ये एंट्री मार चुकी है। कल का दिन सॉलिड था या नहीं था उसके बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि कल ओपनिंग एवरेज रही, उतनी जबरदस्त ओपनिंग नहीं रही। लेकिन भाई जो चीज मैंने कही थी कि भाई अगर मूवी को रिव्यू पॉजिटिव आ गए तो भाई सेकंड डे पर और थर्ड डे पर और फोर्थ डे पर जो ये धमाल मचाने वाली, क्योंकि आज रिपब्लिक डे का हॉलीडे रहेगा और आज की ऑक्यूपेंसी देख के लग रहा है कि यस भाई रिव्यू जो पॉजिटिव आए थे उसका कमाल धमाल हमें देखने को मिल रहा है। भाई शुरुआत करने से पहले सारी चीज़ बताऊंगा, सारे रिपोर्ट स्कैन करेंगे, कितनी ऑक्यूपेंसी कल थी, कितनी ऑक्यूपेंसी आज है, कितनी कमाई कल कर ली और कितनी कमाई आज करेगी, टोटल कितनी कमाई ये कर चुकी है, लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर चुकी है। लेकिन उससे पहले भाई एनिमल मूवी OTT यानी नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, नहीं देखिए तो जाओ देखो, 8 मिनट का एक्सटेंडेड कट इसमें देखने को मिलेगा आपको नया, जो थिएटर हाउस में नहीं दिखाया गया था। तो वायलेंस ब्रुटैलिटी में जो संदीप रेड्डी वांगा हद पार करके गए थे 8 मिनट में, और क्या दिखा सकते हैं वो तो भाई मूवी देख के ही पता चलेगा। शुरुआत करते हैं भाई, उससे पहले क्या करना है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काम पसंद आ जाए 1-2 मिनट में तब वीडियो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। मूवी का बजट 250 करोड़ के आसपास है, जिसमें कास्ट अगर हम बताएं तो ऋतिक रोशन मेन लीड पर हैं, अनिल कपूर हैं, दीपिका पादुकोण हैं, करण ग्रोवर हैं, अक्षय ओबरॉय हैं, आशुतोष राणा हैं। भाई भारी भरकम कास्ट है जिन्होंने अपना रोल फास्ट एंड फार रोल प्ले किया है, सभी दमदार है। मतलब एक एयरफोर्स पायलट की कैसी लाइफ होनी चाहिए वो दिखाते हैं, कैसे ऑफिसर्स बात करते हैं वो एक्सेंट उन्होंने पकड़ा, वो चीज़ वो सीनैरियो वो सराउंडिंग उन्होंने पकड़ी वो जबरदस्त था। मूवी ऑसम है भाई, मैं कहूँगा ऑसम है, ब्लॉकबस्टर है, एरियल शॉट्स धमाकेदार हैं, VFX एंड CGI में जिस हद तक सिद्धार्थ आनंद काम कर सकते थे वो करा है, विजुअल इफेक्ट में भाई फाड़ के गया है। अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है भाई 3D वर्जन में देखो, मजा आ जाएगा आपको। फाइटर ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल की बताएं तो भाई सब 40-45% के आसपास थी, जहां मॉर्निंग में 30% थी, आफ्टरनून में 34% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग 40 एंड नाइट शोज में 45% के आसपास ये कल की ऑक्यूपेंसी थी। लेकिन आज ये ऑक्यूपेंसी भाई सब 60% के आसपास पहुंच चुकी है, 60-65% के ओवरऑल। कल सैटरडे है, देन संडे है, तो कल तो भाई 60-70% पहुँच जाएगी, क्योंकि भाई वर्ड ऑफ माउथ जब काम करता है ना भाई, कंटेंट इज द किंग, बट पब्लिक काम करती तब हमें देखने को मिले। तो कल ओवरऑल मतलब नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट कितना है, एंड ऑफ द डे तक 22 करोड़ के आसपास ग्रॉस इंडियन कलेक्शन, कल 26 करोड़ के आसपास ये मूवी करते नजर आ रही है। बात करें आज डे टू में क्या रुझान है, तो आज तो भाई तबाही है, तबाही का मंजर है। आज टोटल एडवांस बुकिंग है डे टू के लिए 13 करोड़ 12 लाख, जो ह्यूज ग्रोथ है भाई। और आज की जो अर्ली एस्टिमेट है वो भी बताऊंगा आगे। और टोटल टिकट आज के लिए उन्होंने यानी डे टू के लिए सोल्ड आउट करे हैं 4,14,668, एंड टोटल सोच हैं आज इनके खाते में 15,547। सोच बहुत अच्छे हैं, सोच की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जहां हिंदी 2D और हिंदी 3D से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हिंदी 2D में जहां 5,26,34,000 की एडवांस बुकिंग ली है, तो हिंदी 3D में 6,67,07,000 की एडवांस बुकिंग ली है। तो भाई बाकी रेस्ट ऑफ द बुकिंग ऑल लैंग्वेज से है, हिंदी IMAX 3D, हिंदी 4DX 3D एंड हिंदी आइस 3D एंड हिंदी IMAX 2D। भाई हिंदी मतलब जितने वर्जन्स में रिलीज कर सकते थे सभी में इन्होंने पेल के रिलीज करा है। आज नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट है भाई साहब 30-35 करोड़ के आसपास, मतलब 30-35 करोड़ के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, 32 करोड़ 33 करोड़, लेकिन 30 करोड़ से नीचे नहीं आएगा ये सभी लोग कह रहे हैं, और डेफिनेटली नहीं आएगा। देन ग्रॉस इंडियन कलेक्शन आज है भाई 36-37 करोड़ के आसपास, तो टोटल पहले दो दिन का नेट इंडियन कलेक्शन कितना हो जाएगा फाइटर के नाम पर, 52 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 62 करोड़। तो भाई साहब तबाही है भाई, क्योंकि मूवी को रिव्यू पॉजिटिव मिलने, अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखो यार, मूवी दमदार है, ऑसम है। बाकी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, और एनिमल मूवी आ चुकी है वो भी देख लेना भाई। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।